तो G20 समिटमां आवेला મહેમાનો માટે ખાસ બજાર બનાવવામાં આવ્યું છે। દેશના અલગ અલગ રાજ્યમાંથી દરેક સંસ્કૃતિ અને પરંપરાને મહેમાન સમજી શકે અને તેની ખરીદી કરી શકે તે માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। નેશનલ ગેલેરી ઓફ મોડર્ન આર્ટ દિલ્હીમાં ખાસ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે। G20 સમિટમાં ભાગ લેવા માટે દુનિયાના અનેક દેશના રાષ્ટ્રાધ્યક્ષો આવી રહ્યા છે, ત્યારે તેઓ આ સંસ્કૃતિ ઉત્સવના સાક્ષી બનશે તે પ્રકારની આ ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। G20 समिट के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। अतिथि देवो भव, इस चीज को सिर्फ कहा नहीं जाता, भारत में पूरी तरह से निभाया भी जाता है। भारत में जब G20 समिट के दौरान जब राष्ट्र प्रमुख आएंगे, बहुत से डेलीगेट्स आएंगे और उनकी फैमिलीज भी आएंगी, तो उनकी फैमिलीज के लिए उनके लिए खास तौर पर शॉपिंग की व्यवस्था की गई है। उनके लिए उस भारत की संस्कृति को, उस पूरे आप समझिए उस ट्रेडिशन को उकेरा गया है एक तरह से, और वो जगह है इस वक्त भारत में, वो दिल्ली में नेशनल जो गैलरी है, आप समझिए इस वक्त सरकार की जो नेशनल म्यूजियम है वहां पर एक शॉपिंग प्लेस बना दी गई है। ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की, जहां पर एक शॉपिंग प्लेस में तब्दील कर दिया गया है इस जगह को, और यहां पर वो डेलीगेट्स, उनकी फैमिलीज, अलग अलग देशों से आने वाले वो लोग, सभी के लिए एक तरह से प्रदर्शनी लगाई गई है। वो भारत की जुड़ी, भारत की संस्कृति से जुड़ी इस वक्त उन चीजों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे और खरीद भी पाएंगे। एक तरह से पूरा एक छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है जो कि यहां पर उन लोगों की फैमिलीज के लिए होगा। सीपी की बात करते हैं, वो कनॉट प्लेस घूमने तो जाएंगे, लेकिन वो जो इस वक्त जो चीजें उन तक सुरक्षा के कारण नहीं पहुंच पाती हैं, वो भारत के अलग अलग हिस्सों से इस गैलरी तक पहुंचाई गई हैं। यानी कि इस पूरे मॉडर्न आर्ट को, विकास और विरासत की जो बात की जाती है, उसको निभाया भी गया है। भारत की विरासत को दिखाता इस वक्त ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और एक भारत मंडपम भारत के विकास को दिखाता, और विकास और विरासत का मेल यहां पर नजर भी आ रहा है। मैं आपको अगर बताऊं तो इस वक्त वो चांदी के बर्तन से लेकर अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे हाथ से बनी हुई उन इस वक्त लोगों की मेहनत को यहां तक पहुंचाया गया है। बहुत अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के इस वक्त वो हमें कला देखने को मिलती है, उस कला को पहुंचाने की कोशिश की गई है। वेशभूषा का भी खास तैयार रखा गया है, जिस तरीके से नेहरू जैकेट की हम बात करें तो उसको भी यहां पर प्रदर्शनी में लगाया गया है, चाहे वो नेहरू जैकेट हो, अलग अलग तरह से हाथ से बनी हुई उन सभी चीजों को इस वक्त यहां पर जाना गया, समझा गया। और यहां पर देखिए जो महिलाएं यहां आएंगी, दूसरे देशों से आएंगी, कहा जाता है कि भारत की वेशभूषा को बहुत माना जाता है, पहचाना जाता है, जाना जाता है, उसी से जुड़ी अब यहां पर वो आपको इस वक्त ही जो साड़ियां नजर आ जाएंगी। यहां पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम एसपी आनंद। क्या खास तैयारी की गई है जब विदेश से जब इतने मेहमान आ रहे हैं? यहाँ हमारे पास कलमकारी प्रिंट है, और इक्कत पोचंबली फ्रॉम आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से, देन कांजीपुरम साड़ीज, कांजीपुरम फ्रॉम तमिलनाडु, उपड़ा सिल्क फ्रॉम आंध्र प्रदेश। अलग अलग स्टेट से जो फेमस है हमारे पास वो जरूर आता है, अलग अलग स्टेट से, पूरा हैंडलूम का है, आंध्र से है, कांजीपुरम से है, उपाड़ा पर्टिकुलरली उपाड़ा और कलमकारी है, बाकी पटोला भी है, पैटनी का उपाड़ा, सब कुछ है हमारे पास। बहुत मेहनत लगती है अगर देखा जाए तो, बिल्कुल, और बहुत अलग तरीके से इनको बनाया जाता है। इसको पर्टिकुलरली पानी बिल्कुल यूज नहीं करते, दूध यूज करके इसको प्रिंट हैंड प्रिंट से बनता है।